हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 हिंदी स्पर्श भाग फर्स्ट से चैप्टर 5 के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। बच्चों, इस चैप्टर के प्रश्नों की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। खंडकों में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें कम से कम 25-30 शब्दों में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, कॉलेज के दिनों में रामन जी की दिली इच्छा क्या थी? तो इसका आंसर है, कॉलेज के दिनों में रामन जी की दिली इच्छा थी कि वे नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करें, पूरा जीवन शोध कार्यों में लगा दें। उनका मन और दिमाग विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसोफल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। सेकंड प्रश्न है, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन जी ने कौन कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? तो इसका आंसर है, रामन जी ने देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्रों का अध्ययन कर इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। थर्ड प्रश्न है, रामन जी के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? तो इसका आंसर है, रामन जी भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर थे। एक दिन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी ने रामन जी से नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद लेने के लिए आग्रह किया। इस बारे में निर्णय लेना उनके लिए अत्यंत कठिन था। सरकारी नौकरी की बहुत अच्छी तनख्वाह, अनेक सुविधाएं छोड़कर कम वेतन, कम सुविधाएं वाली नौकरी का फैसला मुश्किल था। फोर प्रश्न है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी को समय समय पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। 1930 में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रॉयल सोसाइटी का हुज पदक प्रदान किया गया। फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक मिला। सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार मिला। 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फाइव प्रश्न, रामन जी को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? इसका आंसर है, रामन जी को समय समय पर मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया। इनमें से अधिकांश पुरस्कार विदेशी थे और प्रतिष्ठित भी। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में एक भारतीय वैज्ञानिक को इतना सम्मान दिए जाने से भारत को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिला और लोगों को प्रेरणा भी। बच्चों, खंडखा में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें कम से कम 50-60 शब्दों में लिखना है। तो इससे पहला प्रश्न है, रामन जी के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया? तो इसका आंसर है, रामन जी के समय में शोध कार्य करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। वे सरकारी नौकरी भी करते थे जिस कारण समय का अभाव रहता था, परंतु फिर भी रामन जी फुर्सत पाते ही बहु बाजार चले जाते। वहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम करते। इस प्रयोगशाला में साधनों का अभाव था, लेकिन रामन जी काम चलाऊ उपकरणों से भी शुद्ध कार्य करते थे। ऐसे में अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते अपना शुद्ध कार्य करना आधुनिक हठ योग कहा गया। सेकंड प्रश्न है, रामन जी की खोज रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटॉन जब तरल ठोस रवे से टकराते हैं तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा लेते हैं। दोनों स्थितियों में रंग में बदलाव आता है, इसी को रामन प्रभाव कहा गया है। थर्ड प्रश्न है, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? तो
इसका आंसर है रमन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में अनेक कार्य संभव हो सके। विभिन्न पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा दिया जाने लगा। रामन की तकनीकी एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देने लगी। अब पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। फोर प्रश्न है, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है सर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी ने देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर वैज्ञानिक कार्यों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने रामन जी प्रभाव की खोज कर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। बेंगलोर में शोध संस्थान की स्थापना की, इसे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की, करंट साइंस नामक पत्रिका भी शुरू की, प्रकृति में छिपे रहस्यों का पता लगाया। फाइव प्रश्न है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है सर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के जीवन से हमें सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश मिलता है। रामन जी ने संदेश दिया है कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्रकृति घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए, भले ही इसके लिए सुख सुविधाओं को त्यागना पड़े। इच्छा शक्ति से राह सदैव निकल आती है। खंड ग में जो पंक्ति दी गई है उनका अर्थ स्पष्ट करना है, तो क पंक्ति है उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। जिसका आंसर है जब सर आशुतोष मुखर्जी ने रामन जी से नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद लेने के लिए आग्रह किया, तब उन्होंने यह सहर्ष स्वीकार किया, जबकि वे तनख्वाह और सुख सुविधाओं वाले पद पर कार्यरत थे। जो भी उन्हें प्रोफेसर रहते नहीं मिलने वाला था, इससे उन्हें पता चलता है कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। पंक्ति ख है, हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में है। इसका आंसर है हमारे आसपास के वातावरण में अनेक प्रकार की चीजें मौजूद हैं। बच्चों जिनके रहस्य अभी तक अनसुलझे हैं, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश जो उनको वैज्ञानिक दृष्टि से देख सके, अध्ययन कर सके और उनके पहलुओं को सुलझा सके। पंक्ति ग है, यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। इसका आंसर है डॉक्टर रामन सरकारी नौकरी करते हुए भी बहु बाजार स्थित प्रयोगशाला जाते थे। उस प्रयोगशाला में काम चला उपकरणों तथा इच्छा शक्ति द्वारा अपने शोध कार्यों को संपन्न करते थे। इससे लेखक ने अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण बताया है। घ पंक्ति है, उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो शब्द है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, फिलोसफिकल मैगजीन भौतिकी, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहला है रामन जी का पहला शोध पत्र डैश करके प्रकाशित हुआ था। सेकंड में है रामन जी की खोज डैश करके के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। थर्ड है कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम था। फोर है रामन
द्वारा स्थापित स्व संस्थान डैश नाम से जानी जाती है। 5 है, पहले पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए डैश करके का सहारा लिया जाता था। बच्चों इन पंक्तियों के उत्तर है, पहला, रामन का पहला शोध पत्र फिलोसोफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। सेकंड पंक्ति का आंसर है, रामन जी की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। थर्ड पंक्ति का उत्तर है, कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था। फोर्थ पंक्ति का आंसर है, रामन द्वारा स्थापित शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है। 5 पंक्ति का आंसर है, पहले पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा दिया जाता था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।